लॉकडाउन की वजह से देश में रेल सेवा बाधित है। अभी फिलहाल यात्री गाड़ियों का संचालन पूरी तरीके से बंद है। 14 तारीख को लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में रेल मंत्रालय अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि परिचालन कब से शुरू होगा, लेकिन ये तो तय है कि जब भी परिचालन शुरू होगा रेलवे कोरोना से बचाव के लिए कड़े निर्देश जारी करेगा। जानकारी की माने तो रेलवे ने तय किया है कि फिलहाल लॉकडाउन के तुरंत बाद एसी बोगी ट्रेन में नहीं चलेंगी, साथ ही स्लीपर क्लास में मिडिल बर्थ का रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा। ऐसा रेलवे ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए किया है। रेलवे बोर्ड के चीफ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो रेलवे को कोरोना केस के हिसाब से रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांट देंगे। रेड में फिलहाल परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। येलो में हम आपको बता चुके हैं कि प्रतिबंध के साथ परिचालन किया जाएगा, जबकि ग्रीन जोन में बिना किसी बाधा के परिचालन होगा। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए रेलवे मिडिल बर्थ की बुकिंग नहीं करेगा। वहीं रेलवे चादर, कंबल और भोजन की व्यवस्था भी फिलहाल ट्रेन में नहीं देने वाला। यात्रियों को ट्रेन पर चढ़ने से पहले कई औपचारिकताएं भी पूरी करनी होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके लिए उन्हें स्टेशन पर 4 घंटे पहले ही आना होगा। स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी जाएगी। स्टेशन पर प्रवेश केवल आरक्षित टिकट वालों को ही मिलेगा। रेलवे सूत्रों की माने तो ट्रेनों में सिर्फ नॉन एसी कोच ही होंगे। यात्रा से 12 घंटे पहले यात्री को अपनी सेहत की जानकारी रेलवे को हर हाल में बतानी होगी। स्टेशन पर प्रवेश के दौरान रेल यात्रियों को मामूली शुल्क में मास्क और दस्ताना दिया जाएगा, जो अनिवार्य होगा। बोगी के 4 दरवाजे बंद रहेंगे, जिससे गैर जरूरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकेगा। ट्रेन नॉन स्टॉप चलेगी। कोच के भीतर बाहरी वेंडर का प्रवेश पूरे तरीके से वर्जित होगा। यानी कि अब एयरपोर्ट की तर्ज पर यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने एक नया प्लान बनाया है। अब रेलवे सेवा कब शुरू होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब कड़ाई के साथ भारतीय रेलवे की ये सेवा शुरू होने वाली है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।